महासागरों से संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले महासागरों के कुछ आंकड़े देने आपके बीच कि महासागर है कितने। तो ध्यान रखेंगे, इसके पहले तक हम लोग चार महासागर पढ़ते थे, लेकिन एक दक्षिणी महासागर यानी पांचवा महासागर जो है ऐड कर दिया गया है। और आपको शायद पता होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 अगर देखें तो सही में आपके पांच महासागर होते हैं। एक एक करके हम आपको नाम लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे आप कि वो कौन कौन से महासागर है। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वह है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, ये जो महासागर है ये पृथ्वी के एक तिहाई भाग में फैला हुआ है। दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर और तीसरा है आपका हिंद महासागर, चौथा है आपका आर्कटिक महासागर और पांचवा जो है दक्षिणी महासागर। तो इस ढंग से आपके कुल पांच महासागर आज के परीक्षा में मारिएगा आप। एक जगह लुसेंट जैसा गाइड थोड़ी सी गलती कर दिया है, मैं बता रहा हूं आपको, या बजारू गाइड। वो करता क्या है कि जो एंटार्क्टिका है दक्षिणी ध्रुव पर, उसको भी वो महासागर और महादेश दोनों में काउंट कर लेता है, और वही गलत है। आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, देखिएगा कि एक महासागर जो आप देख रहे हैं यहां है आपके, जिसको हम प्रशांत महासागर करते हैं। दूसरा देखेंगे अंग्रेजी के एस लेटर जैसा आपका, ये है अटलांटिक महासागर। और तीसरा जो है आपका ये इंडिया के ठीक नीचे है आपका, ये हिंद महासागर है। और फिर चौथा है आपका उत्तरी ध्रुव पर जो ऊपरी भाग में है, और पांचवा जो है आपका ये नीचे नीचे ऑस्ट्रेलिया के नीचे नीचे घूम रहा होता है। इसको हाल में मान्यता दक्षिणी महासागर के रूप में दिया गया, लेकिन जो ये नीचे यानी पृथ्वी के ये दक्षिणी ध्रुव पर ये जो वाला पार्ट है आपका, ये पूरा का पूरा महादेश है। इसको हम एंटार्क्टिका महादेश कहते हैं। तो महादेश महासागर नहीं हो सकता, लेकिन जनरली गाइड में महादेश को महासागर भी लिख देता है एंटार्क्टिका को, तो वो गाइड की गलती है। आप बेस बुक पढ़ेंगे, बेसिक बुक पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा किसी भी स्तर पर। अब एक बात, अगर आप बोर्ड पर भी देखें तो हमने प्रशांत महासागर आपको बनाने की कोशिश किया है। इसमें जो प्रशांत महासागर है थोड़ा सा हम लोगों को उल्टा पड़ता है, लेकिन बहुत एरिया में है। देखिए आप, इतना दूर में ये फैला है कि पृथ्वी के एक तिहाई क्षेत्रफल पर केवल प्रशांत महासागर फैला हुआ है। अब अगर हम इस सबको मिटा दें तो देखेंगे कि क्या क्या इसकी जो है खासियत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी के लगभग 33% क्षेत्र पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है, 33%, इसको 1/3 कहते हैं। और ये अंग्रेजी के डेल्टा कार लेटर जैसा है, जो मैथमेटिक्स में इसको डेल्टा कहते हैं। यहां देख भी सकते हैं कि देखिए ये पूरी तरह यहां तक फैला और इधर से तिरछे आ जाता है, तो डेल्टा तो हो गया ना, ये यही है। तो अंग्रेजी के डेल्टा कार यानी कि डेल्टा जैसा ये फैला हुआ है। दूसरी रही कि इसकी गहराई जो है बहुत ज्यादा है। एवरेज अगर इसकी गहराई हम देखते हैं तो इसको थोड़ा सा हम मिटा मिटा के आपके सामने लिखते जा रहे हैं। तो चलिए यही मिट गया, पूरा मिटा देते हैं एक बार, कुछ आंकड़े दे देंगे फिर हम बना देंगे आपके बीच में। तो ये लगभग 4200 मीटर के आसपास इसकी औसत गहराई है प्रशांत महासागर की। और यदि खूब गहरा देखें, जिसको हम मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, तो मेरियाना गर्त कहते हैं, इसकी गहराई हो जाती है 11,033 मीटर, यानी लगभग 11 किलोमीटर गहरा हो जाता है। और ये आपका फिलीपींस के पास जो ग्वाटेमाला, ये ग्वाटेमाला जो जापान के ऊपर है, ग्वाटेमाला
द्वीप है वहीं पर स्थित है। अब आपको इसमें हम दिखाना चाहेंगे कि ग्वाटेमाला है कहाँ। तो ये देखिए आपका प्रशांत महासागर आपके सामने दिख रहा है और ठीक इसके बगल में देखिए यहाँ पर फिलीपींस है, यानी यहाँ ये पिंक पिंक वाला चाइना है, ये येलो येलो वाला रशिया है, ये रशिया के ठीक बगल में चाइना के ठीक सामने यहीं पर ये गर्त है। यानी आपको इधर अमेरिका के तरफ नहीं है बल्कि इधर से देखिए गया तो एशिया के बगल में ही, और ऐसे भी फिलीपींस क्या है, एशियाई देश है, ये आपका अमेरिकन देश नहीं है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त आपका एशिया में ही है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय भी कहाँ है, एशिया में ही है, नेपाल में है। ठीक है, तो यहीं पर ग्वाटेमाला जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के जस्ट बगल में पड़ता है और ये 1876 में खोजा गया था, आपको मैंने कल भी चर्चा किया था, और ये 1883 में इसको जो है पब्लिश किया गया, फाइनल रिपोर्ट आया। और अभी तक मेरियाना ट्रेंच की गर्त को चैलेंजर अभियान के अंतर्गत खोजा गया था। अभियान का क्या नाम था, चैलेंजर अभियान के अंतर्गत। इसके बाद फिर उसकी गहराई को नहीं मापा गया है, इसलिए उसके गहराई को नहीं मापा गया है क्योंकि वो इतना गहरा है, इतना खतरनाक है, और जब एक बार फाइनल रिपोर्ट आ गया तो अब नापने की क्या जरूरत है, ऐसे नापा भी जाएगा तो अब तो मशीन बन गया है फैदोमीटर, आसानी से अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन लेकर उसको मापा जा सकता है। कंदरा नुमा है आपका। अब आप देखेंगे कि यदि हम अगर उसके चित्र को बनाना चाहें यहां पर, तो जो आपका एरिया है पूरा का पूरा एरिया लगभग निर्जन है, उसमें 21,000 के आसपास जो है द्वीप है और इतना खड्ड है कि वहां पर अनेक जलीय जीव जंतु विशाल विशाल पाए जाते हैं। यहां पर मान लीजिए कि हम यदि ऑस्ट्रेलिया को बना देते हैं और यहां पर आपको दक्षिणी अमेरिका को बना देते हैं, यहाँ पर जो है हम उत्तरी अमेरिका को लेकर चल रहे हैं, ये आपका कनाडा वाला पार्ट हो जाता है, और इधर से अगर हम रसिया पार्ट को लेकर चलें, ये चाइना पार्ट को लेकर हम यहाँ से यहाँ तक अगर आ जाए तो इंडिया आपका यहाँ ठहरता है। अब बताइए कि इंडिया अगर आपका यहाँ ठहरता है तो ये कितना बड़ा एरिया आपको पूरा का पूरा इसका बन पाता है, यानी ये सब एरिया पकड़ लीजिए यहां से लेकर, थोड़ा दूसरे कलर से दे दे हैं, ये सब जो है आपका एरिया आधा ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा का पूरा एरिया प्रशांत महासागर का एरिया हो जाता, इससे भी बड़ा, वो तो मैं तस्वीर बनाया हूं तो थोड़ा सट भी गया है, लेकिन उससे भी बड़ा एरिया हो जाता है 33% पृथ्वी के समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये देखेंगे आप कि ये जो आप इस प्रशांत महासागर के बारे में यहां से देखने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझेंगे कि ये देखिए प्रशांत महासागर के इस भाग में, यानी कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में देखें, ये पूर्वी भाग होता है मैप के हिसाब से, तो ये पिंक वाला जो है आपका उत्तरी अमेरिका है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये ग्रीन वाला कनाडा है, और ये फिर पिंक पिंक जो दिख रहा है वो अलास्का क्षेत्र है। इस अलास्का को जो है रूस से ही खरीदा था आपको अमेरिका ने मात्र 35 या 37 करोड़ डॉलर में, और आज 37 करोड़ डॉलर से 10 गुना ज्यादा यहाँ रोज इनकम है, इतना ना खनिज संसाधन है। तो लेकिन रशिया के पास सबसे ज्यादा जमीन है, आपको पता ही होगा विश्व का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन है, रशिया है, तो इसको बेच दिया अमेरिका को, अमेरिका इस अलास्का को खरीद लिया। ठीक है, तो इसके देखिए पूर्व में ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, नीचे आप देख रहे हैं कि दक्षिण दिशा में पूरा दक्षिणी अमेरिका है जिसमें ये चिली हुआ, ये सब आपके अन्य देश हुए। यहाँ देखेंगे इसके पश्चिम में रशिया हुआ, चाइना हुआ, या ऑस्ट्रेलिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया का आधा हिस्सा आपको पड़ जाता है प्रशांत महासागर में, और ऑस्ट्रेलिया का ये भाग जो पश्चिमी भाग है ये पड़ जाता है हिंद महासागर में। तो इतना विशाल आपका पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, इसमें द्वीप भी सबसे ज्यादा हैं, जलीय जीव भी ज्यादा हैं, गहराई भी ज्यादा है, और ध्यान रखिएगा कि प्रशांत महासागर के सी लेवल को ही पूरे विश्व का सी लेवल माना जाता है, जिसको समुद्र तल कहते हैं। इसकी जल लगभग लगभग शांत होता है, लेकिन
अगर इस भाग में देखें प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्धीय भाग में, तो यहाँ विश्व के सबसे ज्यादा जागृत ज्वालामुखी है, यानी 486 जागृत ज्वालामुखी में 403 जागृत ज्वालामुखी यही है आपके, यानी रशिया के पूरब में और ये अमेरिका और कनाडा के पश्चिम में, ये पूरा का पूरा धधकते रहता है 403 जागृत ज्वालामुखी। सोचिए कि पानी भी यहाँ का खोल रहा होगा, भाप भी बहुत बनता होगा, अगल बगल से चिड़िया भी गुजरेगी तो यहाँ क्या हो जाएगी, गिर जाएगी एकदम से। जी जी, अब रही बात आपको कि इसे फायर ऑफ रिंग भी कहा जाता है, यानी अग्नि मुद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। इसे परिप्रशांतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर में जो यहां से यहां की दूरी है, ये निचले भाग की, तो ये काफी लंबी होती है, लगभग 18,000 किलोमीटर। लेकिन इस फिलीपींस से जब यहां का भाग लेंगे, भूमध्य सागर के इस भाग का, तो ये लगभग कम हो जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर देखेंगे तो 9,000 किलोमीटर हो जाता है। अब महासागरीय जलधाराओं को देखें तो विश्व की सबसे लंबी महासागरीय जलधारा यही प्रशांत महासागर के विषुवत रेखा पर बहती है। अगर यहां से चलेगी ये प्रशांत महासागर के विषुवत रेखा पर, तो यहां से जो जलधाराएं यहां तक आती है, क्योंकि विषुवत रेखा है, सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है तो गर्म होगी, तो जो भी यहाँ के आसपास जल धाराएं बहेगी वो क्या होगी, गर्म होगी, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध की। तो विषुवत रेखा से उत्तर में अगर होती है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, उत्तरी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। लेकिन यहां से जब ये चलती है तो यहां से टकराकर फिर लौटती है, और जब ये टकराकर लौटेगी जो बहुत कम मात्रा होता है, तो उसको हम कहते हैं विरुद्ध जलधारा, यानी उत्तरी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय विरुद्ध गर्म जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय विरुद्ध गर्म जलधारा। और जो सीधे पूरब से पश्चिम की ओर आती है उसको बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। अब ये दक्षिणी गोलार्ध में जब यहीं से बहती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, यहां से टकरा कर जब लौटती भी है तो उसको विरुद्ध कह देंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय विरुद्ध गर्म जलधारा। नंबर थोड़ा लंबा है, टेढ़ है, लेकिन आप आसानी से दो चार बार बोलेंगे तो आपको आ जाएगा। अब जो दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं बहती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, देखते ना घड़ी के सुई के विपरीत चल रहा है ना, अगर ऐसे चलता तो क्लॉकवाइज होता, ऐसे चल रही है तो यहां से ये आई और इसे टकराकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से फिर नीचे चली गई और धीरे से यहां से घूमते हुए दक्षिणी अमेरिका से टकराकर और यही घूमते रहती है। तो जब ये गर्म जलधाराएं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से होकर घूमेगी तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी, ये गर्म आएगी तो गर्म, लेकिन यहां तो फिर सूर्य की रोशनी कम है तो दक्षिण महासागरीय जलधारा ठंडी इसमें मिल जाती है, और ये मिलकर जब आगे बढ़ के ये आपका दक्षिणी अमेरिका के तटों से टकरा कर ऊपर आती है, तो जब ठंडा से मिल जाएगी तो इस तट पर यानी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैसी जलधारा होगी, ठंडी होगी, ठंडी से मिल गई तो ठंडी। तो ध्यान रखेंगे कि महादेश के पश्चिम में ठंडी या महादेश के पूरब में गर्म, महादेश के पूरब में गर्म और महादेश के पश्चिम में ठंडी। कारण है कि महादेश के पूरब में दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ ऑलरेडी एंटी क्लोन जलधाराएं आ रही है, तो यहां से गर्म जलधारा जब टकराएगी यहाँ तो गर्मे रहेगी, यहाँ ठंडी हो जाएगी, ठंडी 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 ठंडी, फिर गर्म 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 गर्म, फिर ठंडा से मिल गई ठंडी 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 ठंडी, यही तो घूमेगी एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ आएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ भी जो जलधाराएं घूमती है ये क्लॉक वाइज घूमती है, तो यहां विषुवत रेखा से जो जलधारा आ रही है क्या होगी, ज्यादा सूर्य की रोशनी मिलने से ताप ज्यादा, आ ज्यादा ताप मिलने से गर्म गर्म जलधारा, आ इस तट से जब टकराएगी तो कैसा रहेगी, गर्म रहेगी। यानी आपके चीन के पूर्वी तट से या रूस के पूर्वी तट से टकराने वाली प्रशांत महासागरीय जलधाराएं क्या होती है, गर्म होती है। लेकिन ये उत्तरी ध्रुव से जहां पर आपके आर्कटिक महासागर, यहां से ठंडी जलधारा आ जाती है और वह सीओ जलधारा वगैरह दिखवे किए हैं यहाँ पर, बर्खोंटास के जलधारा, तो इस सब यहाँ से मिलती है, और मिलने के बाद जब ये आपके उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग यानी कि कनाडा हुआ, अमेरिका का, इन सब से टकराती है तो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है।
तो अमेरिका के यानी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग से बहने वाली जलधारा क्या होगी, ठंडी होगी। तो यहां से ठंडी ठंडी ठंडी, फिर यहां सूरज की रोशनी मिल जाए तो गर्म 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 ठंडी 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 गर्म 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 ठंडी ठंडी ठंडी। तो देख रहे हैं किसी भी, यहां भी देख रहे हैं इसके पूर्व में क्या है गर्म, इसके पूर्व में क्या है गर्म, इसके पश्चिम में क्या है ठंडी, इसके पश्चिम में क्या है ठंडी। तो किसी भी महादेश के पूर्वी तट की जलधारा क्या होती है गर्म, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो, और किसी भी तट का पश्चिमी जो भाग होगा वो क्या होगी ठंडी। क्यों ठंडी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से आके उसमें ठंडी जलधाराएं मिल जाती है और वहां सूर्य की रोशनी भी कम पहुंच पाता है, ऐसी स्थिति में वहां ताप कम होता है तो जलधाराएं क्या हो जाती है ठंडी हो। तो महादेशों के पश्चिमी जलधाराएं क्या होगी ठंडी, और महादेशों के पूर्वी जलधाराएं क्या होगी गर्म होगी। तो ये रहा आपके अटलांटिक सॉरी प्रशांत महासागर, सबसे विशाल महासागर है। और यहां पर जो है जलधारा यहां के आसपास यानी उत्तरी प्रशांत महासागर के ऊपरी भाग में फंडी का खाड़ी है, यहां से जब जलधारा तेज गति से यहां चलती है और अलास्का के पास आकर टकराती है तो 18 मीटर ऊंचा हो जाती है। कितनी ऊंचा होती है 18 मीटर, मतलब 54-55 फीट या 60 फीट कहिए हो जाती है ऊंचा। तो आप अंदाजा लगाइए विश्व की सबसे ऊंची लहरें कहां उठती है जी, फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी कहां है जी, जी ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब थोड़ा सा इधर बहिए आप, हम आपको थोड़ा ले चल रहे हैं अटलांटिक महासागर में, सॉरी मैंने उत्तरी अटलांटिक बोल दिया, उत्तरी प्रशांत होगा क्योंकि अटलांटिक ले जाना था इसलिए। यहां देखते हैं हम कि बिल्कुल सही एस, अंग्रेजी के एस लेटर जैसे ही देख रहे हैं, अंग्रेजी के एस ऐसे ही नहीं लिखते हम लोग। तो इसके पूरब में देखिए आपका क्या है अफ्रीका है और आपका यूरोप है, इसके पश्चिम में क्या है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। भूवर्तनिकी संचरण जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं उसमें कहा गया है कि दोनों के बीच की चौड़ाई क्या हो रही है बढ़ रही है, दोनों के बीच की चौड़ाई बढ़ रही है। तो ये बढ़ रही है और ये प्लेटें इधर खसकते जा रही है तो प्रशांत महासागर की चौड़ाई क्या होगी कम होगी, सीधी सी बात है जी जी। तो यहां जो आप देख रहे हैं इसमें, इसमें भी वैसे ही होता है, विषुवत रेखा से बहने वाली जलधारा क्या होगी गर्म होगी। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर ये विषुवत रेखा गर्म जलधारा, फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर विषुवत रेखा विरुद्ध गर्म जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर विषुवत रेखा गर्म जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर विषुवत रेखा विरुद्ध गर्म जलधारा, और यहां से जब टकराएगी तो अमेरिका के पूर्वी तट से क्या होगी गर्म होगी। यहां से जब देख रहे हैं ग्रीनलैंड के आसपास ही पीला वाला ग्रीनलैंड है, यहां से जब ठंडी जलधाराएं आकर इसको मिलेगी तो यूरोप के पश्चिमी भाग से जो किनारी जलधारा बहेगी वो कैसी होगी ठंडी होगी। फिर आप यहां देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में जो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो गर्म जलधारा जब ब्राजीलिया तट के पास पहुंचेगी तो क्या रहेगी गर्म रहेगी, नीचे आने के बाद जब दक्षिणी सागर जलधाराएं से मिलेगी तो क्या कर देगी ठंडा, तो यहां आने के बाद क्या होगा ठंडा। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट की जलधाराएं क्या होगी ठंडी होगी। तो इसके पूर्वी तट का गर्म पश्चिमी तट का ठंडी, इसके पूर्वी तट का गर्म और पश्चिमी तट का ठंडी। अब देखेंगे हम इंडिया चलते हैं थोड़ा सा, यहां देखिए ये हिंद महासागर है, एकमात्र हिंद महासागर पहले था जो उत्तरी ध्रुव को नहीं छूता था, अब ऐसा हो गया है कि दक्षिणी महासागर और हिंद महासागर दोनों ही उत्तरी ध्रुव को नहीं छूता है। उत्तरी ध्रुव में अटलांटिक छुएगा, प्रशांत छुएगा और आर्कटिक छुएगा, आर्कटिक तक है उत्तरी ध्रुव पर है। तो यहां देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है, उत्तरी गोलार्ध में एकमात्र हिंद महासागर है जो मौसम के परिवर्तन के कारण दिशा बदल जाती है क्योंकि उत्तर में है नहीं। तो ये भारत के पश्चिम में हिंद महासागर और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो मानसूनी हवा आने जब मानसूनी हवा आती है तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है और लौटने वाली जो मानसून होती है तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। अतः उत्तरी गोलार्ध के तटों के ताप में कमी बेसी होता है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। और आर्कटिक महासागर आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव पर है, सबसे छोटा इसी को माना जाता है, तो ये बर्फ से हमेशा आच्छादित रहता है
और चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूम रही होती है तो निश्चित रूप से इसमें भी जलधाराएं क्या हो रही होगी, घूम रही होगी। लेकिन इनकी जलधाराएं जो है जैसे पश्चिम से पूरब, तो आर्कटिक महासागर की पूरब से पश्चिम बह रही होगी। ये भी पश्चिम से पूरब अगर महासागर पृथ्वी घूम रही है तो महासागरीय पूरब से पश्चिम की ओर बहती है हमेशा ही, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो आते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग नोट करने। धन्यवाद, नमस्कार।